स्वतंत्र महाकुंभ में आहुति देने के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और हम पहुंचे हैं यहाँ फवारा चौक के पास स्थित पशु चिकित्सालय पोलिंग बूथ पर। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह से जुटे हुए हैं और हमारे बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार जो कि कार्यकर्ताओं के बीच है, जगह जगह जा रहे हैं, पोलिंगों पर मिल रहे हैं। पवन जी, करीब 2 घंटा हो गया, कितने पोलिंग घूम लिए? लोकतंत्र का महायज्ञ है, लगभग 18 पोलिंगों पर मैं जा चुका हूं और सभी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि मतदान अवश्य करें, अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान हमारी जिम्मेदारी भी है और मतदान हमारा अधिकार ही है, अधिकार भी है, और देश की सरकार चुनना जनता का बहुमूल्य मत, दोनों की अपने आप में एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम समस्त लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें। जी, क्या लग रहा है सुबह से लोगों का उत्साह दिखा मतदान को लेकर? क्योंकि मतदान को लेकर उत्साह है और ज़्यादा उत्साह की आवश्यकता है। जी जी। जिसके लिए लगातार सभी कार्यकर्ता और सभी लोग लगे हैं, शासन प्रशासन भी लगा है, पर मतदान अच्छा होगा और अब तक भी मतदान जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कार्यकर्ता जनता में उत्साह है, एक एक करके लोग आ रहे हैं और आखिरी तक ई बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, आज की स्थिति देखिए क्या लग रहा है, 400 पार होगा? 400 पार का नारा हम लगा रहे हैं और जनता के मन में 420 425 पार का नारा है, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा। जी जी। और अभी दिन भर कहाँ पूरा संसदीय क्षेत्र घूमने की इच्छा है? पूरा नीमच जिला? पूरा नीमच जिला, पूरा नीमच जिला, नीमच जिला। जी जी। सुधीर जी के आने की संभावना है? सुधीर जी आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो आप थे पवन पाटीदार, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जो कि पोलिंग वाइज कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और चुनाव की स्थिति का पता लगा रहे हैं। अभी 9 बजने वाला है, करीब 2 घंटे हो गए, पोलिंग बूथों पर भीड़ लगी हुई है। कांग्रेस और भाजपा के दोनों कार्यकर्ता उत्साह से जुटे हुए हैं। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ।